जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2022 के बारे में, जो कि आपकी 50,000 पद पर जल्द ही जारी की जाएगी। जल्दी से मतलब है कि आपको आने वाले टाइम के अंदर इस भर्ती के बारे में खुशखबरी जानने को मिलेगी कि आपकी भर्ती आ चुकी है और आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बट उसके पहले आप यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए और साथ ही आप ये जान लीजिए कि कब आपके बेसिकली फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी न्यूज की कटिंग है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर आपके 50,000 पद खाली है, जिसमें से 20,000 पद आपके 6 महीने और 6 में से 5 महीने हो चुके हैं भरे जाएंगे, और उसके बाद जो 30,000 पद है उनको भी 1 साल के अंदर ही भरा जाएगा। लास्ट ईयर भी इसके अंदर 53,000 पद पर भर्ती आई थी और अभी भी आपके यहाँ पर 50,000 पद खाली है। तो जल्दी आपकी 20,000 की भर्ती आएगी और उसके बाद में 30,000 पद पर फिर से इस भर्ती को जारी किया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल्ड में मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा, पहले आप यहां पर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। तो ये जो भर्ती है वो आपकी जो निकाली जाती है वो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी जाती है और इस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी नियुक्ति होती है। फिर यहाँ पर दोस्तों बात करें आपकी पोस्ट की, तो इसमें आपकी 2-3 तरह की पोस्ट रहती है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, ये जो पोस्ट थी ये लास्ट ईयर निकाली थी। और जो ये आपकी 3 पोस्ट है, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर, ये पोस्ट आपकी मेन रूप से रहेगी और इस साल भी आपकी जारी की जाएगी। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया प्रीली मॉक टेस्ट लेकर के आया है, जो कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से दे सकते हैं। ये आपका मई 15 2022 को होने वाला है और पेपर की टाइमिंग आप यहां पर देख सकते हैं, सुबह 9:30 बजे, 11:30 बजे, 12:30 बजे और 2:30 बजे। ये आपका आप 11 सिटीज के अंदर अवेलेबल है, जिन सिटीज के नाम यहां पर आप देख सकते हैं। तो आप इसके अंदर इनरोल हो जाइए अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में। आपको ज्वाइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन होते वक्त मेरे कोड AMZDD10 का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूले। इसके अलावा अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट आपका यहां पर होने वाला है, ये आपका मई 22 2022 सुबह 11 बजे रहेगा। इसमें भी आप इनरोल हो जाइए, जहां पर आपको दोस्तों नॉलेज तो बढ़ाने का मौका मिलेगा ही, साथ ही आप यहां पर रिवार्ड्स भी जीत पाएंगे जो कि करोड़ों में काउंट होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इसको भी इनरोल कर लीजिए। पैथ फाइंडर करंट अफेयर्स मई 22, ये भी आपके यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सीएससी के लिए। इसमें आपके 25 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स आपको मिलते हैं और एवरी संडे शाम 5 बजे ये होती है। इसमें भी दोस्तों आपकी अगर रैंक 1 से 3 रहेगी आपको यहाँ पर अनअकैडमी नोट्स प्लस आर्टिकुलेट मैगजीन जीतने का मौका मिलेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर आपकी जो पढ़ाई है वो भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप इनाम भी जीत सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। वैकेंसी की जो संख्या वो आपकी 50,000 है, जिसका जो एक क्राइटेरिया है वो आपने अभी न्यूज़पेपर से जाना है। एप्लीकेशन मोड अब आपका ऑनलाइन होता है, यानी कि इस फॉर्म को आप ऑनलाइन माध्यम से भर पाते हैं और आप यहीं पर इसी ऑफिशियल वेबसाइट से भर पाएंगे। अगर आप यहां पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं फॉर्म को भरने के। फिर अगर आप यहां पर यस करेंगे तो यस करने के बाद में आपके सामने अप्लाई का पेज आएगा। यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि अभी यहां पर ये वैकेंसी एक्टिव नहीं हुई है, तो इसलिए यहां पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है। जब ये वैकेंसी एक्टिव हो जाएगी तो यहां पर आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, जो भी यूपी की डिस्ट्रिक्ट है आप यहां पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो ब्लॉक का नाम है वो सिलेक्ट करेंगे, आपका जो क्षेत्र है वो ग्रामीण है या शहरी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपनी ग्राम सभा यानी कि किस गाँव से आप बिलोंग करते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे और कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने वैकेंसी की संख्या आएगी और फिर आप उस पर अप्लाई कर सकेंगे। तो ये आपका यहीं से अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद यहां पर दोस्तों आती है जानकारी आपकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों आपकी 5वीं रहेगी और 10वीं रहेगी, यानी कि 5वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं और 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूं, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन आपकी वही होगी जिस भी ग्राम सभा के लिए आप
अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपकी ग्राम सभा के अंदर ही आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो एज लिमिट है, एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 45 साल, काफ़ी अच्छी एज लिमिट है, इस एज लिमिट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अभी गाइज आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि क्या इसमें मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, तो इसमें गाइज मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। मैंने जो प्रीवियस वैकेंसी देखी है या फिर किसी भी स्टेट में आंगनवाड़ी की जो वैकेंसी आई है उनमें अभी तक किसी भी वैकेंसी में मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, तो देखते हैं इस बार अगर कोई ऐसा चांस बनता है कि मेल कैंडिडेट को भी मौका दिया जाए तो अच्छी बात है। वैसे इसमें मेल कैंडिडेट का कोई चांस होता नहीं है, इसमें ज़्यादातर वही लोग अप्लाई करते हैं जो कि मैरिड होते हैं और इसमें उनकी ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं। फिर आती है सैलरी, तो सैलरी यहां पर आपको जो दी जाएगी उसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आपको नीचे बताऊंगा। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि एप्लीकेशन फीस कोई नहीं होगी, ना ही आपका कोई एग्जाम होगा, आपका सिर्फ सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के द्वारा किया जाएगा। मेरिट आपकी बनेगी आपकी 10th की परसेंटेज पर और जो आपकी 5वीं की क्वालिफिकेशन है उसकी परसेंटेज पर। अब बात आती है आपके ये फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर गाइज ये फॉर्म वैसे तो मई के एंड तक भी आ सकते हैं इसी साल के, या फिर जून में तो ये फॉर्म आ ही जाएंगे क्योंकि इसमें 6 महीने का वक्त बोला था और 6 महीने यहाँ पर होने को आ चुके हैं। तो ऐसे में इस भर्ती के फॉर्म मई में आना की जो जानकारी थी वो आ रही थी सामने, बट मई के एंड में भी आ सकते हैं, नहीं तो जून के अंदर तो आपके पक्का आ जाएंगे और फिर आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा फॉर्म को भरने के लिए, यानी कि जुलाई 2022 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप चाहते कि इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको अपडेट करूँ जब ये वैकेंसी आए और कहाँ से कैसे फॉर्म को भरे उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें इसके बारे में अपडेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बना दूंगा और जो कोई भी अपडेट इस भर्ती को लेकर के उसके बारे में भी आपको अपडेट करूंगा। इसके बाद दोस्तों मैंने जो आपको क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी वो आप यहां पर देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम अर्हता, यानी कि कम से कम आपका हाई स्कूल व सहायिकाओं के लिए जो यानी कि सहायिका की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उनके लिए कम से कम क्वालिफिकेशन कक्षा 5वीं मांगी है। आप यहां पर एज लिमिट देख सकते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 21 से 45, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए आपके 21 से 45 ही है, आंगनवाड़ी असिस्टेंट के लिए 21 से 50 साल है। फिर पे स्केल जो मैंने आपको कहा था, पे स्केल में आपको बोला कि गरीबी रेखा का मानक ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 ये आपको वार्षिक आय के रूप में दिए जाएंगे, यानी कि एक साल में आपको इतने रुपए दिए जाएंगे, और जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको ₹56,460 पर ईयर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट मैं आपको बता चुका हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका यही न्यूज है, आप यहाँ पर इसमें इसके बारे में डिटेल में जानकारी देख सकते हैं। आपको बोला है आंगनवाड़ी में भी 20,000 भर्तियाँ होगी, 30,000 पदों पर भर्ती एक साल में होगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले 20,000 पद आएंगे उसके बाद में आपके 30,000 पद होंगे, पहले 20,000 के फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद में आप 30,000 पदों के फॉर्म भरेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी है। इसमें यहाँ पर आपको बोला कि पोर्टल में ऐसा कोई कॉलम नहीं था, ना ही अभ्यर्थी इस पर अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर पा रहे थे, इसके चलते एक दर्जन से ज़्यादा जिलों के DM ने शासन से परामर्श मांगा था, यानी कि कुछ प्रॉब्लम थी आपका जब 2021 के अंदर ये फॉर्म आया था, बट इस बार उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा और सभी लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं और उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज ये थी जानकारी, जानकारी अगर आपको पसंद आई है आप वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।